हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुकिंग स्पायर्ड। मैं अनामिका। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ पंजाबी छोले किस तरीके से बनाए जाते हैं। इन्हें बनाना बहुत ही आसान है। चलिए देखते हैं किस तरीके से मैं बना रही हूँ। यहाँ पर मैंने एक कप छोले ले लिए हैं, जिन्हें काबुली चना बोलते हैं। ये 4 से 10 लोगों के लिए हैं। इन छोलों को 1 से 2 बार साफ पानी में वॉश करना है। अगर आप मॉर्निंग में बना रहे हैं तो रात में भिगो के रख दें, अगर इवनिंग में बना रहे हैं तो मॉर्निंग में भिगो के रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया है और इसे 7 से 8 घंटे भिगो के रख दें। यहाँ पे मैंने जो मसाले यूज कर रही हूँ इन्हें ले लिया है मैंने। हल्दी पाउडर ले लिया है, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार ले लिया है, धनिया पाउडर, ये छोले मसाला ले लिया है, जीरा ले लिया है, बारीक कटा हुआ हरा धनिया ले लिया है, 1 प्याज ले लिया है, 5 से 6 लहसुन की कलियां हैं, 1 टमाटर है। लहसुन, प्याज और टमाटर को पीस लेना है। छोले वो हैं जो भीग गए हैं, इन्हें मैंने कुकर में डाल दिया है, नमक डाल दिया है। 4 से 5 सीटी आने पे देखिए छोले जो हैं पक गए हैं। अगर छोले तब भी नहीं पक रहे 4 से 5 सीटी आने पर, तो आप 2-3 सीटी और लगा सकते हैं। छोले को इसी तरीके से पकाना, ये देखिए कितने अच्छे से पक गए हैं। यहाँ पे मैंने कढ़ाई ही ले लिया है। कढ़ाई जो है गर्म हो गई है, इसमें 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डाल दें। ऑयल के गरम होने के बाद इसमें हींग डाल दें। आप यहाँ पे तेज पत्ता भी डाल सकते हैं। हींग भूनने के बाद इसमें जीरा है उसे डाल दें। जीरा को भून लीजिए जब तक कि क्रैकी ना हो जाए। जीरा भुनने के बाद जो ग्रेवी तैयार की है उसे डाल दें, टमाटर, लहसुन और प्याज की। आप उसमें हरी मिर्ची भी यूज कर सकते हैं, जिस तरीके से तीखा खाना चाहते हैं। तो यहाँ पे ही देखिए मैंने ग्रेवी जो है उसे डाल दी है। इस ग्रेवी को 2 से 3 मिनट तक भून लेना है, जिससे इसका जो कच्चापन है लहसुन प्याज का वो हट जाए। मैंने बीच बीच में चलाया है और 2 से 3 मिनट हो गए हैं, ग्रेवी जो है वो हल्की सी पक गई है, इसका जो कच्चापन है वो भी हट गया है। अब यहाँ पे मैंने लाल मिर्च पाउडर डाल दी है, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक टेस्ट के अनुसार। अब इन सारी चीजों को आपस में मिक्स कर दिया है और 2 से 3 मिनट तक इसी तरीके से भून लेना है मसाले को। यहाँ पे मैंने छोला मसाला है उसे डाल दिया है, इसे भी 1 से 2 मिनट तक भून लें। ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है उसे डाल दें और 3 से 4 मिनट होने के बाद देखिए मसाले से तेल जो है अलग होने लगा है, तो मसाला भून गया है। अब यहाँ पे मैंने छोले जो है, जिनको कुछ छोलों को मैंने मैश कर लिया है उसे डाल दें। इससे ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। थोड़ा पानी डाल दें, आपस में मिक्स कर दें। पानी भी आप अपने अनुसार ले सकते हैं, कम या ज़्यादा, ग्रेवी जिस तरीके से खाना चाहते हैं। अब छोले जो है उन्हें डाल दें और 2 से 3 मिनट तक इसी तरीके से पकने दें, ग्रेवी जब तक ठीक ना हो जाए। थोड़ा नमक डाल दें, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दें और चला दें। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर बिल्कुल भी तीखी नहीं होती है, कलर के लिए होती है। अब छोला मसाला और मैंने ऊपर से डाल दिया है और आपस में मिक्स करके 2 से 3 मिनट तक और पकने दें। ऊपर से हरा बारीक कटा हुआ धनिया डाल दें और गैस को ऑफ कर दें। छोला बनकर तैयार है। आप भी इसी तरीके से बनाइए छोले, भटूरे के साथ खाइए, राइस के साथ खाइए एंड पूरी के साथ खाइए। मेरी ये रेसिपी आप लोग को अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं
तो मैं फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।